Redmi K20 Pro। एक्चुअली ये रोम काफ़ी सारे डिवाइसेस के लिए अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, बट जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं एंड वीडियो पे जो डिवाइस शो कर रहे हैं वो Redmi K20 Pro है। तो यहाँ पे अबाउट सेक्शन में, जैसा कि आप अबाउट सेक्शन में देख सकते हो, लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे अभी एक्स रोम का यूज़ कर रहा हूँ मैं, एंड ये बेस्ड है MIUI 12.6 Xiaomi EU बीटा पे। तो अगर आप स्टोरेज सेक्शन में जाओगे तो 11.07 GB के अराउंड ये आपका सिस्टम टेक करेगा, सिस्टम स्पेस कवर करेगा। एंड अगर आप नीचे जाते हैं तो यहाँ पे ऑल स्पेक्स का सेक्शन मिलेगा। तो ऑल स्पेक्स के सेक्शन में, जैसे कि आप देख सकते हो, आपको सिक्योरिटी पैच यहाँ पे पुराना मिलेगा, मे का। तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पैच लेटेस्ट अगस्त का देखने को नहीं मिलेगा, बाकी सारी चीज़ें लेटेस्ट हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि हमको क्या क्या चीज़ें इधर पे न्यू मिल रहा है। तो सबसे पहले ये थीम है। तो यहाँ पे एक्चुअली में दो थीम्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं इस बिल्ड पे। तो सबसे पहला थीम जो है ये है अभी एक्स लाइम, जिसको हम बोल सकते हैं, इसका नाम अभी एक्स लाइम है। तो ये थोड़ा सा एक टर्कोइश टिंट, टर्कोइश टाइप का एक थीम आपको मिलेगा। इसका खुद का आइकन पैक भी है। तो आइकन पैक आप जैसा कि देख सकते हो, तो ये आइकन पैक अराउंड 90-95% आपका आइकन कवर कर लेगा। थोड़े बहुत आइकन्स हैं जो इधर पे लेफ्ट आउट रहते हैं, बट आपको बहुत सारे आइकन्स इधर पे कवर हो जाते हैं। एंड आइकन पैक का डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है। इसी के साथ साथ ऐप रिसेंट पैनल में आपको क्लियर ऑल बटन में भी यहाँ पे थीमिंग देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा कहीं पे भी थीमिंग नहीं देखने को मिलती है MIUI में, जैसा बेसिक थीमिंग होती है। सेटिंग्स पैनल में भी कोई थीमिंग देखने को नहीं मिलेगी। एंड अगर आप थीम्स के अंदर जाते हैं तो थीम्स के अंदर हम दूसरा थीम इधर पर चेक कर लेते हैं। तो मैं बिल्ड पर क्लिक करूँगा, लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन पर मैं अप्लाई नहीं करूँगा थीम को, जिससे कि मेरा वॉलपेपर प्रिजर्व रहे, तो नहीं तो बार बार वॉलपेपर चेंज हो जाता है। तो सेकेंड थीम जो है कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। ये थोड़ा सा फंकी या फिर आप बोल सकते हो कार्टूनिश टाइप का थीम आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी कलरफुल थीम है, जैसा कि आप देख सकते हो। ये जैसा कि आप देख सकते हो QoS पैनल भी आपको काफ़ी कलरफुल इस थीम के साथ देखने को मिल जाएगा, जैसे कि ब्राइटनेस स्लाइडर काफ़ी डार्क ब्लू कलर में मिलेगा देखने को। एंड फिर आपको जो टोगल्स हैं वो मैजेंटा कलर में मिल जाएंगे, ब्लूटूथ एंड वाईफाई सारे टोगल्स का कलर आपको इधर पर कलरफुल देखने को मिल जाएगा। तो ये काफ़ी एक फंकी टाइप का थीम आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोनों ही थीम्स अलग हैं एक दूसरे से, एंड पर्सनली मेरे को ये थीम ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। आइकन पैक भी इसका मेरे को ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, पहले वाले थीम का काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था, क्लासी टाइप का थोड़ा सा लुक देता है वो। तो एक्चुअली मैं, ये आपके पर्सनल प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है, सबको थोड़ा अलग अलग पसंद रहता है। तो दोनों तरीके की थीम आपको इधर पे मिल जाएंगे, एक थोड़ा सा क्लासी टाइप का एंड एक फंकी टाइप का। फिर नेक्स्ट अगर वॉल्यूम पैनल इधर पे चेक करते हैं तो वॉल्यूम पैनल पे कोई चेंज नहीं है, बट अगर आप सेटिंग्स के अंदर जाते हो, थ्री डॉट सेटिंग्स के अंदर, तो इधर पे आपको स्लाइडर्स मिल जाएंगे DND एंड वाइब्रेशन मोड के लिए। तो ये एक्चुअली में पहले हमें MIUI में नहीं देखने को मिलता था, बट इस बिल्ड पे आपको मिल जाएगा। तो ये MIUI 13 का फीचर है, तो जहाँ तक मेरे को पता है ये MIUI 13 का फीचर है, तो आपको इस रोम पे ये भी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें क्या क्या न्यू चीज़ मिलती हैं, तो नेक्स्ट हम चलते हैं इधर पे लॉन्चर एक बार देख लेते हैं। तो लॉन्चर सेटिंग्स में अगर जाते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का लॉन्चर सेटिंग देखने को मिल जाएगा। वॉलपेपर विजिट एंड सेटिंग्स आपको दोनों ये तीनों आपको जो आइकन्स हैं थोड़े से थीम्ड मिल जाएंगे थीम के साथ। एंड अगर लॉन्चर सेटिंग्स के अंदर जाते हैं तो यहाँ से आप सर्च प्रोवाइडर चेंज कर सकते हो। तो गूगल पे मैंने सेट करके रखा है, आप इसको कर सकते हो -1 स्क्रीन या फिर लेफ्ट मोस्ट स्क्रीन, जहाँ पे आपका गूगल पीडिया ऐप वॉल्ट होता है। तो आपको दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, गूगल डिस्कवर या फिर ऐप वॉल्ट का। तो ऐप वॉल्ट इस रोम में आपको कुछ इस तरीके का MIUI चाइनीस वर्जन से इंस्पायर्ड देखने को मिलेगा। ये ऐप वॉल्ट हमें इंडियन वर्जन में कभी देखने को नहीं मिलता था, तो ये आपको पर इस रोम में इसके साथ देखने को मिल जाएगा। आप इधर पे सर्च बार नीचे मिल जाता है आपको सर्च का ऑप्शन, एंड ऊपर आप इधर पे हेडलाइन को भी कस्टमाइज़ कर सकते हो, जैसा कि मैंने इधर पे ऑलरेडी कस्टमाइज़ करके रखा है। सेटिंग्स के अंदर जाके ये सेटिंग है, इधर से आप हेडलाइन के अंदर जाओगे, यहाँ से आप अपना कस्टम हेडलाइन डाल सकते हो। तो मैंने अपना कस्टम हेडलाइन जैसे डाल के रखा है, आप भी इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हम वापस चलते हैं एंड अब हम देख लेते हैं फाइल मैनेजर। तो इधर पे फाइल मैनेजर भी आपको न्यू देखने को मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हो अब दो कैटेगरी में डिवाइडेड मिलेगा आपको फाइल मैनेजर, रीसेंट एंड स्टोरेज। तो पहला पेज जो है रीसेंट देखने को मिल जाएगा, आपके रीसेंट आइटम्स जो भी आप डाउनलोड करते हो या फिर जो भी सेव करते हो मेमोरी पे। एंड दूसरा जो स्टोरेज आपको स्टोरेज टैब देखने को मिल जाएगा, तो ये आपका मेन स्टोरेज टैब हो जाएगा। तो एक बार मैं इसको डार्क मोड में डाल लेता हूँ, जैसे कि बैकग्राउंड से थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट में आ जाए स्क्रीन।
तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये स्टोरेज टैब आपको मिल जाएगा। इंटरनल स्टोरेज पे क्लिक करेंगे तो इस पेज पे हम आज पहुंच जाते हैं। एंड ऊपर आपको इधर पर डेडिकेटेड फाइल, क्या बोलना चाहिए, फाइल टोगल्स मिल जाएंगे। तो आप उन फाइल टोगल्स में जाके, जैसे APK है तो डायरेक्ट आपको APK फाइल्स का पूरा लिस्ट मिल जाएगा आपके फ़ोन पे। बट अगर आप इंटरनल स्टोरेज से कोई भी एंड्रॉयड का इंटरनल या फिर एंड्रॉयड का OBB या फिर एंड्रॉयड जैसा कोई पार्ट आप एक्सेस करना चाहते हो तो इस फाइल मैनेजर से नहीं होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं गेमिंग मोड। तो गेमिंग मोड भी इधर पे आपको न्यू देखने को मिल जाएगा। ये MIUI 13 का गेमिंग मोड APK है। तो इस रोम पे हमें MIUI 13 का न्यू गेमिंग मोड भी देखने को मिल जाएगा। ऊपर से आप टोगल ऑन ऑफ कर सकते हो, अनस्टॉल गेम, होम पेज लेआउट हॉरिजॉन्टल जैसे पहले आता था उसको भी आप कर सकते हो बाय डिफॉल्ट, ये आपको वर्टिकल में मिलेगा। फिर परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन आपको इधर पर मिल जाता है। वाईफाई ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं आप, मेमोरी पे एक्सेप्शन पे कोई भी ऐप को ऐड कर सकते हो जिससे कोई वो क्लियर ना हो जब आप गेम खेलो एंड मेमोरी बूस्ट हो। इसके बाद एनहेंस्ड एक्सपीरियंस में आपको टर्न ऑफ ऑटो ब्राइटनेस, रीडिंग मोड, स्क्रीनशॉट जेस्चर, नोटिफिकेशन शेड, ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं एनहेंस्ड में। एंड एडिशनल सेटिंग में अगर जाते हैं तो एडिशनल सेटिंग में आपको गेम्स मिल जाएंगे। गेम्स के अंदर आप टैप करेंगे तो आप उस गेम का टच रिस्पॉन्स सेट कर सकते हो गेमिंग मोड के अंदर से। जैसा कि आप इधर पे देख सकते हो, आई थिंक ये पहले भी अवेलेबल था MIUI पे, बट अभी भी इस रोम पे आपको देखने को मिल जाएगा। एंड फिर टच रेजिस्टेंट एरिया, ये सारी सेटिंग्स एक्चुअली में पहले भी अवेलेबल थे, वो आपको अभी भी देखने को मिल जाएंगे। एनहेंस्ड विजुअल का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से एक बार प्ले अराउंड करके, उनमें एक्सप्लोर करके अपने हिसाब से सेट कर सकते हो जैसा भी आपको एक्सपीरियंस चाहिए गेमिंग टर्बो से। नेक्स्ट यहाँ पे हम चलते हैं सेटिंग्स के अंदर। तो सेटिंग्स पैनल में अगर जाते हैं तो सबसे पहले हम इधर पे देख लेते हैं कनेक्शन एंड शेयरिंग का ऑप्शन। तो कनेक्शन एंड शेयरिंग में आपको स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन वर्किंग मिल जाएगा। तो मैंने अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके इसको स्क्रीन कास्ट किया था तो उसमें वर्क किया था। तो आप भी इसको अगर यूज़ करते हो तो ये आपको ऑप्शन वर्किंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन, बाकी सारे सेटिंग्स जो है वो अभी भी सेम है, कोई भी यहाँ पे चेंज नहीं है। क्योंकि आई थिंक हम सारे ही लोग MIUI रोम से काफ़ी फैमिलियर हैं तो इधर पे आई डोंट थिंक कि उसको इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। तो लॉन्चर सेटिंग ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो सेटिंग पैनल पे आपको कोई भी चेंज नहीं मिलेगा, बाकी सारे ऑप्शन सेम है जैसे MIUI में मिलता है। एंड इधर पे जैसा कि ये न्यू वर्जन है MIUI 12.6 एंड एंड्रॉयड 11 बेस्ड वर्जन है, तो इधर पे आप वाइड वाइन भी इस रोम से रिस्टोर कर सकते हो। तो आपको कुछ इस तरीके से फिंगरप्रिंट पेमेंट के अंदर जाना है, फिंगरप्रिंट पेमेंट के अंदर आपको वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेट रिस्टोर करने का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर बैटरी पेज के अंदर जाते हो तो बैटरी पेज कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है हमें MIUI में बेसिक हमेशा से। तो यहाँ पे अभी 44% तक मैंने यूज़ कर लिया एंड मेरे को जो स्क्रीन ऑन टाइम मिला है 5 आवर्स 1 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम मेरे को अब तक मिला है। तो बैटरी बैकअप अभी तक तो सही है, बट 50% के नीचे जब बैटरी जाती है तो ज़्यादा ड्रेन होता है ऐसा मैंने देखा। तो पिछले दिन मेरे को इधर पे जो बैकअप मिला था 6.5 घंटे का मिला था। तो आज देखते हैं, आज अभी 50% तक तो मेरे को काफ़ी सही बैटरी बैकअप मिला है। नॉर्मल यूजेज है मेरा, मैं कोई ज़्यादा गेम या फिर PUBG या BGMI नहीं खेलता हूँ, उसके बाद मेरे को ये बैटरी बैकअप मिला है। तो जो मेरा एक्सपेक्टेशन है तो अराउंड 7-30 आवर्स का एक्सपेक्टेशन मैं इस रोम से रख के चल रहा हूँ कि अभी मेरे को 7-30 आवर्स का तो बैटरी बैकअप देखने को मिल जाना चाहिए। बट एक्चुअली में अगर आप MIUI वेंडर बेस्ड AOSP रोम से कंपेयर करो तो 7-30 आवर्स भी काफ़ी कम है। एक्चुअली मेरे यूजेज के हिसाब से तो कम है, क्योंकि यूजेज आपके बैटरी बैकअप आपके यूजेज पर डिपेंड करता है एंड बैटरी हेल्थ पर डिपेंड करता है। तो मेरे यूजेज के हिसाब से मेरे को OSS वेंडर बेस्ड रोम पर भी 10 घंटे तक का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा बैटरी बैकअप कम देखने को मेरे को मिला। इसके बाद हम देख लेते हैं सिक्योरिटी ऑप्शन। तो सिक्योरिटी ऑप्शन में आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा एंड फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाएगा। तो फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आपको काफ़ी अच्छे से इधर पे वेल ऑप्टिमाइज देखने को मिलेगा, काफ़ी फास्ट वर्किंग है। एंड आप जैसे ही फिंगर टच करते हो, थंब टच करते हो, फ़ोन अनलॉक हो जाता है। तो जैसा कि ये MIUI रोम है तो आपको बेस्ट इंप्लीमेंटेशन एंड बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन तो देखने को मिलेगा ही, क्योंकि ये बेसिकली है तो MIUI रोम एंड थोड़ा सा एनहेंस्ड वर्जन है। मतलब डी ब्लोटिंग एंड ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड थोड़ा बहुत थीम ऐड किया है। तो
एंड ब्लॉट्स क्लियर किए हैं, ब्लॉब्स क्लियर किए हैं, तो उससे थोड़ा सा आपको डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेगा। बट फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक आपको फास्टेस्ट देखने को मिलेंगे। किसी भी AOSP रोम से आप कंपेयर करोगे, आपको MIUI रोम पे फास्टेस्ट फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद गाइस हम चलते हैं कैमरा देख लेते हैं। तो कैमरा आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट MIUI का देखने को मिलेगा। ये कोई पोर्ट नहीं है, ANX कैमरा या फिर किसी का भी पोर्ट नहीं है, ये डिफ़ॉल्ट कैमरा एप्लीकेशन है जो MIUI फ़ोन के साथ आता है। तो यहाँ पे वीडियो मोड में अगर आप जाते हो तो वीडियो मोड पे 1080p 60fps के साथ एंड 30fps के साथ सारे ऑप्शंस आपको वर्किंग मिलेंगे। कोई भी ऐसा मोड आपको देखने को नहीं मिलेगा जो इधर पे वर्क नहीं कर रहा है। पोर्ट्रेट मोड, पोर्ट्रेट सेल्फी मोड, सारे मोड्स आपको वर्किंग यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके बाद अगर आप इसको ऑफ करना पड़ेगा तो ये सारे मोड्स आपको इधर वर्किंग मिल रहे हैं। प्रो मोड पे अगर जाते हैं तो प्रो मोड भी आपको पूरी तरीके से वर्किंग मिलेगा। तो आपको ये पूरा फुल फ्लेज वर्किंग इधर पे MIUI का कैमरा देखने को मिल जाएगा। इसके बाद गाइज हम कर लेते हैं एक छोटा सा मेमोरी मैनेजमेंट टेस्ट। तो मैं यहाँ पे कुछ ऐप्स ओपन करूँगा। मैं थोड़े से जो ये ऐप्स हैं मैं ओपन करते करते इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा इस सेशन को, जिससे कि वीडियो का लेंथ भी कम हो सके एंड टाइम बचे। तो मैं एक एक करके इधर पे ऐप ओपन करता हूँ, फिर हम देखते हैं कि कौन सा ऐप इधर पे मेमोरी पे रहता है एंड कौन सा ऐप रिलोड हुआ है। सो गाइज अब हम रीओपनिंग चालू करते हैं। तो जोमैटो हमने सबसे पहले ओपन किया था, मेमोरी पे है। यूट्यूब म्यूजिक भी मेमोरी पे है, यूट्यूब स्टूडियो भी मेमोरी पे था, अपना व्हाट्सएप एंड वेदर एप्लीकेशन। तो जो हमने शुरू में ऐप ओपन किए थे वो सारे इधर पे मेमोरी पे हैं। थीम ऐप इधर पे रीलोड हो गया, बट आई थिंक ये थीम ऐप का ही प्रॉब्लम है, रोम का प्रॉब्लम नहीं है। थीम ऐप शायद वर्किंग ही ऐसे करता है, क्योंकि बाकी सारे जो ऐप्स हमने पहले भी ओपन किए थे एंड जो बाद में भी ओपन किए हैं वो सारे मेमोरी पे हैं एक्सेप्ट थीम ऐप। तो उसको छोड़ के यहाँ पे हमें सारे ऐप्स मेमोरी पे देखने को मिल जाएंगे। तो आप काफ़ी ईजिली इधर पे मल्टीटास्क भी कर सकते हो विथ अराउंड 6 to 7 ऐप्स ओपन इन बैकग्राउंड। तो आप 6 से 7 ऐप के साथ इधर पे मल्टीटास्किंग भी कर सकते हो, तो कोई भी आपको इधर पे हिकअप या फिर दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। थोड़ा सा ऐप ओपनिंग स्पीड स्लो है एंड कभी कभी थोड़ा सा डिले होता है, तो बट उसके अलावा आपको इधर पे मल्टीटास्किंग में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे गाइस मैंने बेंचमार्क टेस्ट भी इधर पे करके रखा हुआ है। तो ये बेंचमार्क टेस्ट में मेरे को जो स्कोर मिला था 598 का स्कोर देखने को मिला एंड 2468 का स्कोर मल्टीकोर पे देखने को मिला। तो ये स्कोर जो है ये विदाउट गेमिंग टर्बो का स्कोर है। गेमिंग टर्बो के साथ अगर आप टेस्ट करोगे तो 700 के पार आपको इधर पे स्कोर देखने को मिल जाएगा एंड मल्टी कोर के लिए आपको 2600 के अबव आपको स्कोर देखने को मिलेगा। फिर सेफ्टी नेट इधर पे हम लाइव रन कर लेते हैं। तो सेफ्टी नेट स्टेटस पास्ड है, तो आप इधर पे बैंकिंग ऐप्स भी फ्लॉलेसली यूज़ कर सकते हो। इसी के साथ साथ नेटिव रूट चेकर भी एक बार रन कर देते हैं। तो नेटिव रूट चेकर के भी सारे टेस्ट आपको इधर पे पास मिलेंगे। नॉन रूटेड रोम है, ऐसे लिनक्स स्टेटस का भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको सारे टेस्ट इधर पे नेटिव रूट चेकर के अंदर भी पास देखने को मिल जाएंगे। सो गाइज आप इस रोम को बिल्कुल एज अ डेली ड्राइवर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी मेजर बग आपको देखने को नहीं मिलेगा कि जो आपको डेली लाइफ में फेस होए, बट ये रोम सिर्फ उनको ही पसंद आएगी जिनको MIUI रोम ऑलरेडी पसंद है। अगर आप AOSP पसंद करते हो या फिर AOSP रोम पे हो तो ये रोम आपको थोड़ा सा स्लो फील होगा। ऐप ओपनिंग स्पीड काफ़ी स्लो है कंपेयर टू AOSP, मेरे को पर्सनली स्लो लगा एंड कभी कभी थोड़ा सा स्विचिंग बिटवीन द ऐप्स एंड सारी चीज़ें जो हैं थोड़ा सा एस्थेटिकली डिफरेंट है MIUI में, तो थोड़ा सा एक ऑकवर्ड फील भी आता है और थोड़ा सा एक स्लो फील भी आता है रोम को यूज़ करने पे। तो ये सारी चीज़ें आपको इधर पे फेस करोगे अगर आप AOSP से शिफ्ट करते हो। बाकी MIUI अगर आप यूज़ करते हो तो काफ़ी अच्छा रोम है, MIUI के हिसाब से काफ़ी अच्छा एंड काफ़ी फास्ट रोम है, कोई भी इधर पे दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। गेमिंग के लिए मेरे को थोड़ा सा एवरेज लगा ये रोम। तो गेमिंग में अगर आप शेनॉक में बूट कैंप पर ड्रॉप लेते हो तो थोड़ा सा FPS फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है अगर बहुत ज़्यादा बंदे आ जाते हैं उधर पे। तो ये सारी चीज़ें आपको गेमिंग में देखने को मिलेंगी। T1, T2, T3 कस्टम मैं पर्सनली खेलता नहीं हूँ, बट आई थिंक आपको वहाँ पे लैग देखने को मिलेगा अगर शेनॉक पे देखने को मिलता है तो, गेमिंग टर्बो ऑन करने के बाद भी। सो गाइस गेमिंग के लिए तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इस रोम को, बट आप इसको एज अ डेली ड्राइवर बिल्कुल यूज़ कर सकते हो।
एंड गाइस, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।